नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले एक दो दिन से प्रियंका गांधी खबर है, वो चाहे आप कहिए उसके आने से अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, कोई कह रहा है कुछ नहीं होगा, जो भी हो, लेकिन प्रियंका गांधी खबर में है। लेकिन आज सुबह एक खबर पढ़ के फिर मुझे उस खबर को पढ़ के बहुत दुख हुआ। सुमित्रा महाजन देश की स्पीकर है, ये ठीक है, ये सबको पता है कि वो जो स्पीकर होता है वो एक पार्टी विशेष के टिकट पे चुन के आता है, अगली बार वो फिर उस पार्टी विशेष या किसी और पार्टी से लड़ता है। लेकिन जब वो संवैधानिक कुर्सी पे बैठता है तो जैसा हम लोग मानते आए थे और जैसा अभी तक पिछले इतने 70-75 साल में देखा भी गया था, चाहे वो कंडक्टर सोमनाथ चटर्जी का हो, चाहे वो शिवसेना के जोशी जी का हो, किसी का भी हो, ये सब लोग थोड़ा नॉन पार्टिसन, नॉन पार्टी के रूप में ही अपने को बिहेव भी करते थे। आज सुमित्रा महाजन ने एक शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी इसका मतलब फेल हो गए और वो तो इनकॉम्पिटेंट हैं और इसकी वजह से प्रियंका गांधी को लाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सुमित्रा महाजन जी को याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े पद पर बैठी हैं। अगर आप राहुल गांधी या उनके कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ बोल रही हैं तो जवाब में कोई कांग्रेस का नेता भी आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी बोल सकता है, मैं केवल याद दिला रहा हूं। तो मुझे मतलब ये इतनी सीजन है, इतनी सीनियर है, महिला है, उसके बाद इनको तो थोड़ा पेशेंट होना चाहिए था। इनके मुंह से ये क्यों निकल रहा है ये समझ में नहीं आता है। भूल जाते हैं कि भाई आज आप एक संवैधानिक पद पे हैं। खैर, ये बात यहीं खत्म होती है। दूसरी तरफ हमारे जो मोदी जी भाई वो हैं, वो भी कुछ उसमें आ गए हैं, उन्होंने भी हमला शुरू किया है कि भाई उनका कहना है कि भाजपा में पार्टी ही परिवार है और ये इस तरह का परिवार नहीं, और ये नेहरू गांधी को ही लेके कांग्रेस वाले रोते हैं। अरे भाई मोदी जी, उस नेहरू परिवार के बिना आपकी पार्टी भी तो नहीं चल रही है। मेनका गांधी और वरुण गांधी उसी नेहरू परिवार के आए हैं, उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते हैं वरुण गांधी, तो आपका काम भी बिना उस नेहरू परिवार के नहीं चल रहा है। एक दूसरा, आम जनमानस में जो एक कम्युनिकेशन बार बार दिया जाता है कि देखिए जो वहां परिवारवाद है वो है, वो सबको पता है, लेकिन जो एक दिया जाता है कि भाई वहां परिवारवाद, आप ये बताइए कि जो सबसे मतलब, बाकी मैं इस समय सपा की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां तो है ही, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं जो अपने को ये मान रहा है, वहां पे क्या इलेक्शन से प्रेसिडेंट चुना जाता है कि वहां पे नॉमिनेशन होता है और नॉमिनेशन कान में बोला जाता है कि इसका कर देना, और जब कान में बोल के तब तो वो नॉमिनेट हो जाते हैं, इलेक्शन होता है वहां पे कहीं। तो ये सब बातें परिवारवाद, और ये जब आपकी अपनी पार्टी में भी अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो प्रेसिडेंट होता नहीं है। खैर, अब बात आ जाए मुख्य मुद्दे पर, प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस पार्टी में फॉर्मली जनरल सेक्रेटरी बनके पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने की। थोड़ा इसमें हिस्ट्री को पीछे से देखेंगे, जब आप पुराना उठा के देखिए तो आप हरदम पाएंगे कि ये जो भी नेहरू या गांधी परिवार है, इन लोगों ने जोड़ी में ही परफॉर्म किया है। एक समय था जब हालांकि देश की स्वतंत्रता से पहले वाली चीजें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार बोल दूं, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू की वो पिता पुत्र की एक जोड़ी थी, वो अपने ढंग से सोचते थे, अपने ढंग से करते थे, इधर जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों लोग थे तो एक दूसरे को ताकत देते थे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी बिना कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए हुए वो उनको वो ताकत देती रही, इन दोनों ने इन टैंडम काम किया। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद जब इंदिरा गांधी आए तो ब्रीफ 4-5 साल का पीरियड छोड़ दीजिए, उसके बाद संजय गांधी आ गए थे उनकी मदद के लिए। फिर जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी की मदद के लिए राजीव गांधी आए थे, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मैं ये मानूंगा कि वो एक ऐसा समय था जब राजीव गांधी बिल्कुल अकेले थे। उसके बाद जब सोनिया गांधी आई तो शुरू के दिनों में सोनिया गांधी भी अकेले चलाई। राजीव गांधी और सोनिया गांधी का एक चीज और मान लीजिए कि इनके परिवार का एक अहम हिस्सा रही मेनका गांधी, उस समय विपक्ष के साथ जाके विपक्ष की पॉलिटिक्स कर रही थी, इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल उस समय भी थी। लेकिन हम राहुल गांधी को पप्पू कह लें, कुछ कह लें, लेकिन यह भी फैक्ट है
कि सोनिया गांधी की मदद के लिए जब राहुल गांधी साथ में कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्ष बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी पार्टी ने फिर से वापस उठ के 10 वर्ष देश में अपना राज चलाया है। आज की तारीख में जब राहुल गांधी फिर प्रेसिडेंट बने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब सोनिया गांधी धीरे धीरे पीछे हट रही हैं, तो ये फिर जोड़ी के रूप में राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों मतलब इस परिवार में जोड़ी के रूप में इन लोग ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं और कोई कारण नहीं है कि इन लोग क्यों नहीं इफेक्टिव रहेंगे। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, जो मतलब एक देखिए एक होते हैं जो भाजपा का कोर वोटर, कम्युनिस्ट का कोर वोटर, हर पार्टी के कोर वोटर है, लेकिन इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इलेक्शन तो एक जो जनरल लोग होते हैं जो इधर भी वोट दे सकते हैं, उधर भी वोट दे सकते हैं, पॉलिसी पे दे सकते हैं, किसी भी चीज पे दे सकते हैं, लेकिन जो कोर वोटर है उसके अंदर उत्साह तो गांधी परिवार का कोई आदमी ही भर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे अनुसार प्रियंका गांधी का जनरल सेक्रेटरी बनना एक तरह से सोनिया गांधी एरा की समाप्ति है। नई जनरेशन आ रही है और सोनिया गांधी एक तरह से अब रिटायरमेंट की तरफ है, संन्यास तो नहीं बोलेंगे लेकिन रिटायरमेंट की तरफ है। दूसरा मुझे यह लगता है कि जो इस समय प्रियंका गांधी आई हैं तो यह हो रहा है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो समस्या है और उसको जो उनको हैंडल करना है, वो राहुल गांधी चाहे अकेले प्रेसिडेंट रहते और प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में नहीं भी आते, तब भी उस समस्या को तो उनको झेलना ही पड़ता। अभी जब प्रियंका गांधी इसमें आ गई हैं तो मुझे तो एक दूसरी बात लगती है कि अब रॉबर्ट वाड्रा पे जितना वार या जो भी होगा, और वो सही या गलत है वो एक को तो कोर्ट फैसला करेगी, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कांग्रेस का या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का फायदा ही होगा। दूसरा एक चीज अगर आप देखिए, पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल प्रियंका गांधी छाई हुई है हर तरह से। अच्छा ये जो मीडिया हाउस है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको 24 घंटे भोजन चाहिए। मतलब ये वो मैं खराब वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये वो शक्ति है जिसको भोजन हर 24 घंटे करते रहना है। तो मीडिया हाउस तो इस समय प्रियंका गांधी आ गई है और उसको लगता है कि इलेक्शन तक तो अपना एक बड़ा काम है, तो मीडिया इनको रेलेवेंट बना के रखेगी। चाहे मोदी जी या अमित शाह कुछ कोशिश कर लें, प्रियंका गांधी विल बी जिसको कहते हैं वो चहेती रहेंगी मीडिया की इस पूरे इलेक्शन दौरान। एक और चीज है जिसमें सबको दिखता है, जो बार बार एक कंपैरिजन होता है ना कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, वो एक कारण ये भी है कि जो इंदिरा गांधी थी वो एक महिला सशक्तिकरण, एक देश की ताकत के रूप में लोगों को आकर्षित करती थी। तो शायद इस बात को लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी ये काम कर पाएंगी। ये तय बात है कि इंदिरा गांधी का कनेक्ट आम आदमी से ज्यादा था और प्रियंका गांधी की तरफ लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि वो शायद प्रियंका गांधी का कनेक्ट आम लोगों से ज्यादा रहेगा। अच्छा उसको अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो वो आपको थोड़ा बिटवीन द लाइंस देखना होगा। राहुल गांधी बार बार जब 2 दिन से इतनी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मेरी बहन, उनको एक तरह से आप यू कैन जिसको कहते हैं आप ये देख सकते हैं कि वो उत्साहित है। अच्छा प्रियंका गांधी का 3 रोल हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति हम सबके घर में उसके पूजा जैसा माना जाता है और वो तीनों रोल में फिट हो रही हैं। मेरी बहन करके एक राहुल गांधी कर रहा है और लोगों को बहन का रूप भी दे रही हैं, सोनिया गांधी की बेटी के रूप में भी। मतलब आज हम जब किसी वो देखते हैं तो एक बेटी भी देखते हैं, तो वो बेटी का रूप भी कहीं ना कहीं लोगों को नजर आएंगी और वो माँ भी हो गई हैं। तो कोई माँ अब उनके बड़े बच्चे हैं, तो वो माँ बहन और बेटी के तीनों रोल में मुझे ऐसा लगता है कि वोटरों को लुभाने में काफी कामयाब हो सकती हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल दूं, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों बहुत छोटे हैं लेकिन हम लोगों की खबर का असर कहीं हुआ था। दो हम लोगों ने कई चीजें कांग्रेस वाले एपिसोड में कुछ चीजें कही थी, उसमें 2 चीजें बहुत स्पेसिफिक कही थी।
एक हम लोगों ने कहा था कि भाई गुलाम नबी आजाद साहब का इससे कनेक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश से, तो गुलाम नबी आजाद साहब हट गए हैं, मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी खबर से हटे, लेकिन हम लोगों ने इसको भी, हम लोगों ने भी इसकी वकालत की थी। और दूसरी हम लोगों ने बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी बने वो अगल बगल के किसी स्टेट का होना चाहिए, तो प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बना के कम से कम ऐसा लगता है कि जिस लाइन पे हम लोग सोच रहे थे वो लाइन पॉलिटिकली ठीक थी। आज राहुल गांधी जी को थोड़ा एक देश एक चीज समझनी होगी मेरे हिसाब से। आप 2019 में कह रहे हैं कि हम प्रबल, मतलब आप सत्ता पाना चाहते हैं, और आप गुलाम नबी आजाद जी को फिर से आपने उत्तर प्रदेश का वो बना दिया, अच्छे आदमी है, लेकिन गुलाम नबी आजाद की कौन सा उत्तर प्रदेश, नेताओं को जानते हैं लेकिन ग्राउंड पे कौन सा इनको जानते हैं, इनके आने से कौन सा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस आर्गुमेंट को मान लूं, इनके आने से कौन सा मुसलमान वोट करने लगेगा? अरे आपको अगल बगल की हिंदी बेल्ट है, आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, मतलब राजस्थान है, इनका किसी आदमी को, किसी ताकतवर नेता को आप यहां का प्रभारी बनाते, कुछ फर्क पड़ता? खैर अच्छा, किसी किसी को लगता था उसमें कि आपने भाई ये नुस्खा तो हम बीजेपी को भी बताते रहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले माने तब तो। अब एक बात थोड़ी देर के लिए आ जाती है, प्रियंका गांधी के आ जाने से इनकी कहां क्या वोट के रूप में, क्योंकि ये तो इलेक्शन क्या 2019 से उसी वजह से आई है, उसकी कही है, तो उसमें वोट के रूप में ये कहां किसको वो करेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट मानना है मेरा कि प्रियंका गांधी को अभी जनरल सेक्रेटरी बनाने में सबसे बड़ा जिनको हाथ था और जिन्होंने इनको बनवाया वो मायावती जी और अखिलेश यादव जी थे। इन लोगों ने एक गठबंधन किया, कांग्रेस को 2 सीटें दी, और राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कोई चारा ही नहीं रह गया था इसके सिवा। ये शायद इन लोगों ने नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है। तो एक तरह से सपा बसपा ने मतलब इस करके उनको महासचिव बना दिया। अब जब महासचिव बन गई है तो सपा बसपा का क्या नुकसान होने वाला है? सपा बसपा का नुकसान ये होने वाला है कि मुस्लिम वोटर को अब कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एक क्रेडिबल ओपोनेंट के रूप में दिख रही है, और दलित वोटर जो ट्रेडिशनली वोट किया है उसने पास्ट में कांग्रेस के पक्ष में, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगता है कि यह संभावित कहीं से हो सकता है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की एक चीज और समझ लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जब इन 2 हिस्सों में देखिए तो बसपा ज्यादा सीटें लड़ रही है ईस्टर्न यूपी से, हालांकि मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग वेस्टर्न यूपी से आते हैं, लेकिन बसपा ज्यादा सीटें लड़ रही है ईस्टर्न यूपी से। कारण क्योंकि यहां पे जो सीट का कॉम्बिनेशन है और जो वो है उसमें दलित कई जगह डिसाइडिंग फैक्टर है ईस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में सपा ज्यादा लड़ रही है, तो वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम जो हैं वो ज्यादा माने रखेंगे सीट के हिसाब से हराने जिताने में। ईस्टर्न यूपी में जो एक ही सीट जो मतलब भाजपा ने बिल्कुल पूरी तरह से कमल खिला दिया था सब जगह और एक जगह सिर्फ हो पाया था, वो आजमगढ़ की मुलायम सिंह यादव की सीट थी। बाकी अमेठी और रायबरेली को ईस्टर्न यूपी है लेकिन उतने ईस्टर्न यूपी नहीं है, लेकिन जो ठेठ ईस्टर्न यूपी से एक सीट केवल जीत पाए थे। अब ये तो हो गया बसपा सपा के वोट जहां पे ये कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। बीजेपी की जो बेसिक दिक्कत है और जो जहां पे मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी हिट करेंगी वो ईस्टर्न यूपी का अपर कास्ट वोट, और अपर कास्ट में भी खास करके ब्राह्मण वोट। देखिए ईस्टर्न यूपी की उन 35 सीटों में आज की तारीख में जो इस भौगोलिक क्षेत्र को समझते हैं, देवरिया में कलराज मिश्रा, कुशीनगर में राजेश पांडे, संत कबीर नगर में शरद त्रिपाठी, बस्ती में हरीश द्विवेदी, अंबेडकर नगर में हरिओम पांडे, और ये 5 सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हैं, और इन पांचों सीट पे ब्राह्मण हैं, और छठे श्रावस्ती में ददन मिश्रा हैं जो गोंडा के मूल रूप से हैं, वो ददन मिश्रा श्रावस्ती से हैं। ये 6 ब्राह्मण हैं इस 35 में, 20% ब्राह्मण इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस ब्राह्मण मुस्लिम और दलित वाली सीटों को कुछ ना कुछ प्रियंका गांधी उसको उस तरह से इफेक्ट करेंगी। कितना करेंगी ये तो चुनाव ही बताएगा।
आज ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जिसमें राहुल गांधी जी के हवाले से या किसी और के हवाले से कि शायद कांग्रेस सुपर 30 के रूप में 30 सीटों को प्रोजेक्ट कर रही है। उस सुपर 30 में 22 सीटें वो हैं जो 2009 के चुनाव में जीती थी, बाकी 4 सीटें जहां पे 2014 में सेकंड कांग्रेस रही थी, और बाकी 3-4 सीटें जहां पे 1 लाख से ज्यादा वोट पाई थी। इन लोग इस 30 सीट पे बहुत कंसंट्रेट करने की बात कर रहे हैं। अब जरा संभावनाओं की बातें, मतलब जो जो बिहाइंड दी सीन चल रही है बातें, उस पर 3 चीजें जल्दी जल्दी कह के इसको खत्म किया जाए। पहला, एक खबर चल रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, उनका टिकट शायद कटेगा भाजपा से, वो यहां करेंगे। लेकिन वो वरुण गांधी अकेले नहीं, वरुण गांधी मेनका गांधी दोनों लोगों का कांग्रेस ज्वाइन करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन ये बातें चल रही हैं। दूसरी एक खबर आज छपी है कि कांग्रेस का जो मुस्लिम सेल या मुस्लिम वो जो फेस उत्तर प्रदेश में आगे किया जाएगा, वो नसीमुद्दीन जी या अनीस अंसारी जी को किया जा रहा है। मेरे हिसाब से दोनों लोग मुस्लिम, अगर ये मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, ये दोनों लोग इस लायक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अगर आपको मुस्लिम फेस करना है तो सलमान खुर्शीद अभी भी पढ़े लिखे माने जाते हैं। अगर आप सलमान खुर्शीद को नहीं ला सकते हैं तो किसी ऐसे आदमी को जो पढ़ा लिखा हो या जो मौलवी लोगों से उन तक अपनी बात पहुंचा सकता हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वो चाहे देवबंद से लाइए, चाहे बरेलवी से लाइए, चाहे कहीं से लाइए, आपको वहां से लाना होगा। अनीस अंसारी साहब मुसलमानों को वो नहीं कर पाएंगे, उनका जो लाइफस्टाइल है वो आम ठेठ मुस्लिम को एड्रेस नहीं करेंगे। एक नाम और चल रहा है कि मीडिया को वो बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, और उनका नाम है राजीव शुक्ला जी का। राजीव शुक्ला जी का बहुत साफ नाम नहीं माना जाएगा, मतलब फीस उनकी जगह अगर मीडिया के लिए कोई और अच्छा आपके पास नाम होता है। और लास्ट में मैं अभी भी इस चीज को मानता हूं कि ये 2019 का चुनाव एक बहुत ही बड़े स्केल पे होगा, देश की बहुत सी चीजें डिसाइड होंगी। उसी में अगर प्रियंका गांधी जी ने जब जनरल सेक्रेटरी बन गई हैं तो उनको एक बार बनारस से मोदी जी के अगेंस्ट डायरेक्ट इलेक्शन लड़ जाना चाहिए, और वो इलेक्शन हारें चाहे जीतें, उसका जो भी परिणाम हो, वो देश की एक एस्टैब्लिश नेता तो उसके बाद हो ही जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।